हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो आइए आज के हाउस प्लान की बात कर लेते हैं। आज का हाउस प्लान 25 बाई 50 फिट का है और 1250 स्क्वायर फिट का ये एरिया है। अगर इसकी गज में बात करें तो 138.8 गज का ये प्लॉट है। और दोस्तों, जो हाउस की बाकी तीन साइड रहेंगी वो अदर प्रॉपर्टीज रहेंगी। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग आपको 35 से 40 लाख रुपए तक की आ सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप इसका 2D लेआउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर इसी तरह की नई नई वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसी के साथ आपने हाउस का फ्रंट व्यू देख लिया होगा। हाउस का फ्रंट व्यू आपको देखने में काफ़ी शानदार मिल जाता है। और अगर इससे आगे बढ़ें तो आप हाउस का बाउंड्री वॉल डिज़ाइन देख सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम मेन गेट से एंट्री करें तो सामने की तरफ आपको अच्छी खासी पार्किंग देखने को मिल जाती है। और इसी पार्किंग के अगर हम साइड में देखें तो आपको थोड़ा ओपन स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हाउस के फ्रंट में देख सकते हैं आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाता है और इसकी आपको एंट्री भी सेपरेट मिल जाती है। आप इसका सीलिंग डिज़ाइन भी देख सकते हैं। और अगर इसके ओवरऑल व्यू की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छा ओवरऑल व्यू देखने को मिल जाएगा। अभी हम हमारे हाउस के मेन डोर से एंट्री लेंगे और एंट्री लेते ही आप सामने देख सकते हैं आपको हाउस का लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर एक साइड में देखें तो आपको छोटा सा एक पूजा रूम देखने को मिल जाता है। और इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे हाउस का जो लिविंग एरिया है वो आपको ट्रिपल हाइट का देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम सामने की तरफ देखें तो आपको एक टॉयलेट देखने को मिल जाता है और ये टॉयलेट आपको अटैच और कॉमन यूज के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमने हाउस को बजट में रखने की कोशिश करी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं हमने एंट्री ले ली है हमारे हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आप इसके ऊपर सीलिंग का डिजाइन देख सकते हैं, आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए। इसके साथ आपको अटैच ड्रेसिंग भी देखने को मिल जाएगा और इसके साथ आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाएगा, जो हमने पहले आपको वीडियो में दिखाया था। हाँ तो दोस्तों, अभी बारी है हमारे हाउस के किचन एरिया की। आप देख सकते हैं, आप इसके ऊपर सीलिंग डिजाइंस देख सकते हैं। इसी के साथ आपको एक अच्छा स्पेशियस किचन देखने को मिल जाता है और एक अच्छा आपको अरेंजमेंट देखने को भी मिल जाता है। तो अभी हम किचन से होते हुए हमारे हाउस के बैक साइड में चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और आप इस जगह को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी बारी है हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर की।
तो अभी हम सीढ़ियों से होते हुए हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं आपको ऊपर एंटर करते ही एक अच्छा स्पेस मिल जाता है, आप इसको फैमिली लाउंज बोल सकते हैं, एक स्पेस है ये एक छोटा सा। इसी के साथ अगर हम एक साइड में देखें तो आपको हमारे हाउस का सेकंड बेडरूम देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा स्पेशियस बेडरूम है, इसमें आपको अच्छी खासी वार्डरोब भी देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे हाउस की फ्रंट में बालकनी की तरफ, आप इसको बरामदा भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको ऊपर अच्छा सीलिंग डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा और ये एक अच्छी खासी स्पेशियस बालकनी है, आप इसका आगे से लुक देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक लुक देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इससे आगे बढ़े तो आप सामने देख सकते हैं आपको एक सेम टॉयलेट मिल जाता है जो कि हमने आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया था, तो उसी की तरह ये टॉयलेट भी आपको अटैच प्लस कॉमन यूज के लिए मिल जाएगा। अब बारी है हमारे बेडरूम नंबर थर्ड की, आप देख सकते हैं आपको सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह है आपको ऊपर रूम मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसका सामने की तरफ एक आपको टीवी पैनल और आप इसका बैकबोल डिज़ाइन देख सकते हैं और इसी बेडरूम के साथ आपको अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है। भी आप हाउस के बैक साइड में देख सकते हैं हमने आपको बैक साइड में भी एक बालकनी प्रोवाइड की है, आप इस जगह पर आप अपने हिसाब से जो भी चाहें आप यहां पे अरेंजमेंट कर सकते हैं, कुछ बैठने के लिए या आप कुछ चाहें तो आप यहां पे कुछ अपने हिसाब से स्विंगर वगैरह लगा सकते हैं। तो अभी हम सीढ़ियों से होते हुए हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ चलेंगे। सेकंड फ्लोर में आप ऊपर देख सकते हैं हमने ऊपर एक सैंडलियर दिया है, तो ये भी आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ अभी हम हमारे हाउस के सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमने ऊपर एक परगोला दिया है, ऊपर अच्छा बैठने का एक अरेंजमेंट मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से इस जगह को आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसी तरह की आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। नमस्कार।